देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून अब गुजरे वक्त की बात हो गई है। 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। ये 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं, जो सोमवार से पूरे देश में लागू हो गए हैं। इन कानूनों ने भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। नए कानून लागू होने से न सिर्फ धाराएं बदल गई हैं, बल्कि कई प्रावधानों की परिभाषाएं भी बदल गई हैं। आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 और एविडेंस एक्ट 1872 की जगह ली है। 1 जुलाई से नए कानून के तहत ही केस दर्ज होने लगे हैं, धाराएं भी बदल गई हैं। भारतीय न्याय संहिता में कुल 358 धाराएं हैं, पहले आईपीसी में 511 धाराएं थी। भारतीय न्याय संहिता में 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं। 33 अपराधों में सजा की अवधि बढ़ाई गई है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है। 83 अपराधों में जुर्माना की राशि बढ़ा दी गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। अधिनियम में 19 धाराएं निरस्त या हटा दी गई हैं, 8 नई धाराएं जोड़ दी गई हैं, 22 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। इसी तरह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 531 धाराएं हैं, सीआरपीसी में 484 धाराएं थीं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 177 प्रावधान बदले गए हैं। इनमें 9 नई धाराओं के साथ साथ 39 नई उपधाराएं जोड़ी गई हैं, 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं, 35 सेक्शन में समय सीमा जोड़ी गई है और सेक्शन 35 पर ऑडियो वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है। कुल 14 धाराएं निरस्त और हटा दी गई हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कुल 170 धाराएं हैं, कुल 24 प्रावधान बदले गए हैं, 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। 6 प्रावधान निरस्त या हटा दिए गए हैं, वो अपराध जिनमें उम्र कैद हुई है तो जेल से जिंदा बाहर नहीं निकलेंगे। नए कानून में छीना झपटी से जुड़े मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज होगा। पहले आईपीसी की धारा 302 में हत्या से जुड़े मामले का प्रावधान था और इसी तरह गैर कानूनी रूप से एकत्र होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लगाई जाती थी, अब इसे धारा 187 कहा जाएगा। आईपीसी में माओ लिंचिंग का जिक्र नहीं था, अब इस अपराध के लिए उम्र कैद से लेकर मौत तक की सजा हो सकती है। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने को आतंकवाद की कैटेगरी में रखा गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 में इसका जिक्र किया गया है। इसमें भारतीय मुद्रा की तस्करी भी शामिल है। आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर उम्र कैद या मौत की सजा हो सकती है। आतंकी साजिश रचने के लिए 5 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है। आतंकवादी संगठन से जुड़ने पर उम्र कैद या जुर्माने का प्रावधान है। आतंकियों को छुपाने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह से जुड़ी अलग धारा नहीं है, यानी राजद्रोह को समाप्त कर दिया गया है। नए कानून में राजद्रोह को एक नया शब्द देशद्रोह मिला है। धारा 147 में कहा गया है कि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के दोषी पाए जाने पर फांसी या उम्र कैद की सजा होगी। न्यूज डेस्क एन भारत।